बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बारिक इसी तरह आप हंसते मुस्कुराते रहें। इस नेक दुआ के साथ हम आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट होती है कि यूट्यूब चैनल पर इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बुरवा कर तमाम बहन भाइयों को मिल सके। चलें जी, हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, बिस्तरे वगैरह अभी उठाने हैं, तो बच्चे स्कूल छोड़ के आया हूँ, तो अब ये सारा काम करते हैं। तो रात हवा चली है और ये मैं सूरत हाल दरख्त की दिखाने लगा हूँ कि ये माशाल्लाह क्या कहें कि ये हवा की वजह से आप देख सकते हैं कि इतना हाल बुरा हो गया है। अब ये सारे उठाएंगे, सफाई करेंगे, देखें कितना पत्ता पत्ता गिर गया हवा की वजह से। सफाई अच्छे से हो गई है। अब हमने कहा कि 10 बजे उन्होंने आ जाना है, तो अब आते ही उनको वो दाल मांग रहे थे, चने की दाल हम बना रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, कौवे जो हैं वो चहचहा रहे हैं और चिड़ियाँ भी साथ। हमारे घर दरख्त है ना, इस वजह से लहसुन बेगम साहिबा छील रही है और साथ दो प्याज और एक टमाटर और ये सब्ज़ मिर्चें ये फ्रिज से उठाई हैं। तो अब चने की दाल जो है वो भी दिखाते हैं, वहाँ भिगो के रखी हुई है। ये चने की दाल जो भिगो के रखी हुई है, अब ये काफ़ी देर पड़ी रहेगी, उसके बाद हम बनाएंगे। ये दीवार के साथ जो है ना जड़ी बूटी उगी हुई है, तो ये जहाँ तक मेरा हिस्सा आता है वहाँ तक मैं इसकी सफाई करूँगा। सफाई करने के बाद फिर मैं अपने देखने वाले बहन भाइयों को दिखाऊँगा कि मैंने कैसी सफाई की है ना। मैंने ये सफाई कर दी है, तो अब मच्छर वगैरह भी नहीं आएंगे, क्योंकि पानी खड़ा होता है तो मच्छर बन जाते हैं, तो ये ज़रूरी था इसलिए मैंने ये सुबह सुबह काम किया है। हाँ जी, चने की दाल बनानी शुरू कर दी। सही है, अच्छा कल वाली वीडियो तो कॉमर्स आए थे तेरे, उन्होंने क्या आवाज़ सुमैरा दी बिल्कुल नहीं आई है कि सुमैरा की कहती है, सानू कोई समझ नहीं लगी। मैं क्या भी हूँ की किया जा सकता, मैं तुम कल भी दसिया से मैं क्या भी आवाज़ नहीं आनी, तो उही गल हुई, उन्होंने क्या बिल्कुल किसी लफज़ का नहीं पता चलिया कि उन्हें अगों की आख्या की नहीं आख्या। थोड़ा जहा ना उच्ची बोलना पैना, तो मैनू कम कर करके सह भी चढ़िया हुआ, तो बस देख लो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी का अगस्त का महीना तो बहुत ज़्यादा, ये तो दिल हम कम हो रहा। मैं कहना कैलसी का डब्बा जड़ा ना मेरे सराहने रख दो, तड़का मैंने बना लिया दाल का। अब इसमें दाल मैंने जल्दी धो के रखी हुई है, ये वाली इसमें दाल डालते हैं। अभी दाल मैंने डाल दी है इसमें, अब इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, फिर इसमें पानी डाल देंगे ताकि दाल अच्छे से नरम हो जाए। मैंने अच्छे से बुनाई कर ली, इसमें ऑयल भी छोड़ दिया, अब इसमें डाल दूँ पानी। वाह भाई वाह, बहुत ज़बरदस्त जड़ी है ना चावल, क्या ही कहने। आज तो दिल करता कि रज के खाइए, नाल चनिया का सालन, नाल चनिया की दाल। वाह भी वाह, बहुत ही
बहुत ही, आज तक बच्चे भी खुश थे, मैं भी खुश, बहुत जबरदस्त। उमर बेटा चावल खा ला उठ के, शाबाश। चलो जी असी बैठ के हम चावल खावांगे, दाल थोड़ी पा दे उमर, मैनू दाल ज्यादा पा दे। समेरा आज तक कमाल कर देता है, गरम होने वाले, बहुत बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है, क्या जायका हो, आज तो दिल खुश हो गया। चलो खाओ फिर। हूँ मैं बनाने लग्या मैंगो का जूस, अंब वगैरह मैंने अच्छे तरीके ने कट लिया, तो यह जग भी मैं धो के लैके आ गया। बच्चों ने अपना हिस्सा खा भी लिया, तो मैं क्या सी चलो जूस बनाने हैं, है तीसरा अंब खा रहे हैं। चले जी, इनकी मम्मा भी खा रही है साथ, मैं रह गया हूँ, तो बस उमर साथ साथ कमेंट्री कर रहा है। चले जी अब जूस बनाते हैं, और हम इनकी खिदमत में मसरूफ़ हैं बच्चों की, तो इनको जूस बना के देते हैं। जूस बन गया है, तो अब बच्चों को भी देते हैं और अपनी मैरा को भी देते हैं। खुद को भूख लगी हुई थी। चलें डालें लहसुन। ये बेगम साहिबा मेरे लिए अमरूद तोड़ के लेके आई है, कह रही है कि आज मैं नसरुल्ला को जो है ना वो थाली में काट के नमक लगा के दूंगी। एक शापर भाई जी लोग आए थे, मैंने हिबा मौज के लिए भी भेजा है इस तरह के अच्छे अच्छे अमरूद ना। जी बिल्कुल ऐसे, तो अब मैंने 5 अमरूद तोड़े हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो इन्हें काट कर नमक लगाती हूँ हर रोज़ाना। इस वक्त मैं काट के अदर मार्क को प्लेट में डाल के देती हूँ, तो अदर मार्क भी सुपारा पड़ के आ जाएंगे, वो भी आपके साथ खा लेंगे। रात भाई यासफ आए थे, मैंने उसे भी एक प्लेट काट के दी थी। क्या रहा था, बाजार से लेकर आए हो? मैंने कहा बाजार से नहीं, अपने इधर घर से हमने तोड़े हैं। ये तकरीबन बस नेड़े लग गया है, खत्म होने वाला है, अभी है इसमें पत्तों के अंदर छुपे हुए, लेकिन बहुत ही इसने साथ दिया हमारा। अमरूद बेगम ने मेरे लिए कट के रख दिते, तो हूँ मैं खाना, नाले का शुक्रिया भी अदा कर दा। अमरूद बहुत स्वाद है, टेस्टी है। असं हूँ इतों जरा ना मुबलैल तब्दील करावे, तो क्योंकि चक जाना वा इस वजह, तो मैं क्यों मोटरसाइकिल का ना मुबलैल तब्दील करवा लीए। मोटरसाइकिल ठीक होने तो बाद फिर मेरा इरादा कि मैं जावा बीज लैन वास्ते बाजरे का, क्योंकि बाजरे का मौसम आ, बाजरा काश्त करना वा, तो इस करके हूँ मैं बीज का पता करदा कि केड़ी क्वालिटी बेहतर आ, तो हाईब्रिड बीजना, देसी बीजना या फार्मी बीजना, कोई भी जड़ा ना उसका बीज का पता करदा, अजकल रेट की चल रहा, तो हूँ उत्थे जाना मैं दुकान पर देखदा जाके। उमर शामी कहना कि पापा चलिए बाजार, तो मैं ब्रैड लैके आना, क्योंकि मैं टोस्ट लैके जाने होंगे सुबह स्कूल, तो मैनू लैके दे। मैं क्या चलो ठीक है बेटा चलते हैं, तो नाले उमर हर किसी की अपनी अपनी पसंद आ, अदन तो रोटी सुबह सुबह खा लेंदी है, लेकिन उमर जड़ा ना ब्रैड लैंदा, तो इस करके हूँ असं इतने आए हैं, इतों ब्रैड लैके जावे, तो बस साड़ा सी ये व्लॉग, उम्मीद है कि तुसी साड़े व्लॉग नू पसंद करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। अस्सलामुअलैकुम, और मलिक साहब क्या हाल है, ठीक हो, और कैसी सेहत भी है, ठीक हो, कैसा जा रहा है कारोबार, सही। चले जी हम कुछ बच्चों का सामान खरीदने के लिए लेके आए हैं, तो वो तो हमें दीजिए। समान मैं बच्चों का सारा पेंसिल
बुकां कापियां हर चीज़ लै ली है, हुण लै के घर चलदे आ। ऐ साढ़े सिटी दे नाल ही एक खूबसूरत जंगल आ ते बहुत ही सरसब्ज शादाब, ते इहदे नाल ही हुण असीं अपने देखण वाले भैण भराओं तो इजाज़त लवांगे। इंशाल्लाह फिर मिलांगे एक नई वीडियो दे नाल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।